अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज के वीडियो लेसन में अस सीखण वारा आयो इंग्लिश जा 40 लफ्ज़ ए उनन जा जिद। दोस्तों न सिर्फ अस इन वीडियो के अंदर लफ्ज़ ए उन जा जिद सीखासी, पर उन सा गडो गड हर लफ्ज़ ए जिद के जुमलन के अंदर इस्तेमाल करण पिण सीखासी। तो आई होप ही वीडियो पिण तवाज लाए काफ़ी यूजफुल थे वो है, तमाम घणो कुछ तुम इन वीडियो में सीखण वारा आयो। तो करे दोस्तों तुम रिक्वेस्ट है तो इन वीडियो के वद खां वद लाइक कयो ए पंजे दोस्तन सा जरूर शेयर कजो। तो दोस्तों अचो शुरू करूँ था जो लेसन। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट वर्ड है अपीयर, अपीयर यानी जाहिर थियन, इन जो अपोजिट वर्ड या एंटोनिम है वैनिश, वैनिश यानी गुम थी वन, जो एग्जांपल है द सन अपीयर्स इन द स्काई, सिज आसमान में जाहिर थिए तो। द कैट वैनिश्ड सडनली, बिल्ली ओचितो गायब थी वही। अस नेक्स्ट है एड, एड यानी जोड़ करण या मिलाएं, इन जो अपोजिट है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट यानी कट करण या अलग करण। ये एग्जांपल है एड शुगर टू योर टी, पंजी चाय में खंड विझो। सब्ट्रैक्ट फाइव फ्रॉम टेन, दहन मां पंज कट करियो। ऑल, ऑल यानी सब, इन जो अपोजिट है नन, नन यानी कोब न। ऑल किड्स लाइक आइसक्रीम, सभी बार आइसक्रीम पसंद कंदा आहिन। नन ऑफ देम वॉज प्रेजेंट, उनन मां को भी मौजूद न हो। अलोन, अलोन यानी अकेलो, इन जो अपोजिट है टुगेदर, टुगेदर यानी गज्जी या गड। जी एग्जांपल है आई लाइक टू स्टडी अलोन, और अकेलो पढ़ाई करण पसंद कंदो आहियां। लेट्स स्टडी टुगेदर, अचो त गज्जी पढ़ूं। अस नेक्स्ट वर्ड है ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा, इन जो एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड है नेवर, नेवर यानी कदें भी न। ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, हमेशा सच गालायो। नेवर टेल अ लाई, कदें भी कूड़ न गालायो। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, इन जो अपोजिट है अगली, अगली यानी बदसूरत। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, गुल खूबसूरत आहिन। द ओल्ड क्लॉथ्स आर अगली, पुराना कपड़ा बदसूरत आहिन। असा नेक्स्ट वर्ड है बैरन, बैरन यानी गैर आबाद या बंजर, जो अपोजिट वर्ड है फर्टाइल, फर्टाइल यानी आबाद या जरखेज। ये एग्जांपल है द डिजर्ट इज बैरन, रेगिस्तान बंजर है या गैर आबाद है। द सॉइल इज फर्टाइल, जमीन जरखेज है। बिफोर, बिफोर यानी अगुम या पहरी। आफ्टर यानी खां पोए। वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग मील, मानी खाण का अग हथ धोंदा करो। ब्रश योर टीथ आफ्टर ईटिंग मील, मानी खाण का पोए दंद ब्रश करो। बोल्ड, बोल्ड यानी बहादुर। टिमिड, टिमिड यानी डिजणो। द लाइन इज बोल्ड, शी बहादुर है। द रैबिट इज टिमिड, खरगोश डिजणो है। ब्लंट, ब्लंट यानी मुडो या कुंद। शार्प, शार्प यानी तिखो या तेज। द नाइफ इज ब्लंट, चाकू मुडो है। द न्यू पेंसिल इज शार्प, नई पेंसिल तेज है या तिखी है। केयरफुल, केयरफुल यानी मोहतात या खबरदार। केयरलेस, केयरलेस यानी लापरवाह या बेपरवाह। शी इज़ वेरी केयरफुल, हुआ डाढ़ी मोहतात है। द ड्राइवर इज केयरलेस, ड्राइवर बेपरवाह है या लापरवाह है। चीप, चीप यानी सस्तो। एक्सपेंसिव यानी महंगो। द टॉय इज चीप, रांदी को सस्तो है। द डायमंड रिंग इज एक्सपेंसिव, हिरन की मुंडी कीमती है। नेक्स्ट है क्लियर, क्लियर यानी साफ या वाज़, अनक्लियर यानी गैर वाज़। वाटर इन द ग्लास इज क्लियर, गिलास में पानी साफ है। द राइटिंग इज अनक्लियर, लिखत गैर वाज़ है। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल यानी आरामदाय या आराम वारो। अनकंफर्टेबल यानी बे आराम। द सोफा इज सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल, सोफा नरम ए आरामदाय है।
द चेयर इज़ हार्ड एंड अनकंफर्टेबल, कुर्सी सख्त ऐं बेआराम आहे। कोल्ड, कोल्ड यानी थधो, हॉट यानी गरम। द आइसक्रीम इज़ कोल्ड, आइसक्रीम थधी आहे। द टी वॉज हॉट, चाय गरम हुई। करेक्ट, करेक्ट यानी सही या दुरुस्त। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट यानी गलत या नादुरुस्त। योर स्पेलिंग इज़ करेक्ट, तव्हांजी स्पेलिंग सही आहे। द मैथ प्रॉब्लम इज़ इनकरेक्ट, रियाज़ी जो सवाल ग़लति आहे। डीप, डीप यानी ऊन्हो या गहरो। शैलो, शैलो यानी तराखड़ो या तांगो। द ओशन इज़ वेरी डीप, समुंड तमामु ऊन्हो आहे। द पॉन्ड इज़ शैलो, तलाव तराखड़ो आहे। डिफेंड, डिफेंड यानी बचाव करणु। अट्रैक यानी हमलो करणु। सोल्जर्स डिफेंड द कंट्री, सिपाही मुल्क जो दिफा कनि था। दे अट्रैक ऑन ईच अदर, उहे हिक ॿिए ते हमलो कनि था। डर्टी, डर्टी यानी गदलो या गंदो या मेरो। क्लीन, क्लीन यानी साफ़। द शर्ट वॉज़ डर्टी, कमीस गंदी हुई। द शूज़ वर क्लीन, बूट साफ़ हुआ। डार्क, डार्क यानी ऊंदाहो या कारो। ब्राइट यानी रोशन या साफ़। द नाइट इज़ डार्क, रात ऊंदाही आहे। द डे इज़ ब्राइट, ॾींहुं रोशन आहे। अर्ली, अर्ली यानी सवेर या जल्दी। लेट, लेट यानी देर सां। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मां सुबुह जो सवेर जागंदो आहियां। ही स्लीप्स लेट एट नाइट, हू राति जो देर सां सुम्हे थो। ईस्ट, ईस्ट यानी ओभर। वेस्ट यानी ओलह। द सन राइज़िस इन द ईस्ट, सिज ओभर में उभरे थो। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सिज ओलह में लहे थो। फॉर, फॉर यानी परे। नियर, नियर यानी वेझो। द पार्क इज़ फॉर, पार्क परे आहे। द स्कूल इज़ नियर, स्कूल वेझो आहे। फेल, फेल यानी नाकाम थियणु। सक्सीड, सक्सीड यानी कामयाबु थियणु। ही फेल्ड इन हिज मैथ टेस्ट, हू पंहिंजी रियाज़ी जे इम्तिहान में नाकाम थियो। वर्क हार्ड टू सक्सीड, कामयाबु थियण लाइ महिनत करियो। फ्लैक्सीबल, फ्लैक्सीबल यानी लचकदार या नरम। रिजिड, रिजिड यानी सख़्त या ॾाढो। द रबर इज़ फ्लैक्सीबल, रबड़ लचकदार आहे। द स्टील इज़ रिजिड, स्टील सख़्त आहे। फॉरगेट, फॉरगेट यानी विसारण। रिमेंबर यानी यादि करणु या यादि रखणु। आई ऑलवेज़ फॉरगेट माई कीज़, मूंखे हमेशह मुंहिंजूं चाबियूं विसरी वेंदियूं आहिनि। प्लीज़ रिमेंबर टू टर्न ऑफ द फैन, महिरबानी करे पखो बंदि करणु यादि रखो। जेंटल, जेंटल यानी नरम या शफ़ीक। रफ, रफ यानी खहरो। द बनी इज़ जेंटल, खरगोश नरम आहे। द पेपर इज़ रफ, काग़ज़ खहरो आहे। जायंट, जायंट यानी तमामु वॾो। टाइनी, टाइनी यानी नंढड़ो या तमामु नंढो। एलिफेंट्स आर जायंट एनिमल्स, हाथी तमामु वॾा जानवर आहिनि। बीज आर वेरी टाइनी इंसेक्ट्स, माखी जूं मखियूं तमामु नंढड़ा हशरात आहिनि या माखी जूं मखियूं तमामु नंढड़ा जीत आहिनि। हार्ड, हार्ड यानी सख़्त। सॉफ्ट, सॉफ्ट यानी नरम। रॉक्स आर हार्ड, पत्थर सख़्त आहिनि। कॉटन इज़ सॉफ्ट, कपह नरम आहे। हेल्दी, हेल्दी यानी सेहतमंद। अनहेल्दी, अनहेल्दी यानी गैर सेहतमंद। फ्रूट्स आर हेल्दी, मेवा सेहतमंद आहिनि। डीप फ्राइड फूड इज़ अनहेल्दी, तरियल खाधो गैर सेहतमंद आहे। हैप्पी, हैप्पी यानी खुश। सैड, सैड यानी उदास या गमगीन। आई एम हैप्पी टुडे, मां अॼु खुश आहियां। ही वॉज वेरी सैड, हू ॾाढो उदास हो। लाइट, लाइट यानी हल्को। हैवी यानी गरो।
द फीदर इज़ लाइट खंभ हल्को आहे द स्टोन्स आर हैवी पत्थर ॻरा आहिनि लैंड लैंड यानी उधारो ॾियण या ओधर ॾियण बारो बारो यानी उधारो वठण या ओधर वठण आई लैंड हिम माय पेन मां हिन खे पंहिंजी पेन उधारी ॾियां थो कैन आई बारो योर नोटबुक छा मां तव्हांजो नोटबुक उधारो वठी सघां थो लीगल लीगल यानी कानूनी या जाइज़ इलीगल यानी गैर कानूनी या नाजाइज़ ड्राइविंग फास्ट इज़ नॉट लीगल तेज़ रफ़्तार ड्राइविंग कानूनी नाहे स्टीलिंग इज़ इलीगल चोरी गैर कानूनी आहे लूज लूज़ यानी ढिरो या खुलियल टाइट टाइट यानी सोढ़ो या सख़्त द ड्रेस इज़ टू लूज जोड़ो तमामु ढिरो आहे द शूज़ आर टू टाइट बूट तमामु सोढ़ा आहिनि लव लव यानी पसंदि करणु या प्यार करणु हेट हेट यानी नफ़रत करणु आई लव स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स मूंखे दोस्तनि सां वक़्तु गुज़ारणु पसंदि आहे या आउं दोस्तनि सां वक़्तु गुज़ारणु पसंदि करियां थो वी शुड नॉट हेट अदर्स असांखे ॿियनि खां नफ़रत न करणु घुरिजे या ॿियनि सां नफ़रत न करणु घुरिजे ओपन ओपन यानी खोलणु क्लोज़ यानी बंदि करणु ओपन द डोर दरवाज़ो खोलियो क्लोज़ द विंडोज़ दरियूं बंदि करियो ऑफन ऑफन यानी अक्सर करे सेल्डम सेल्डम यानी कॾहिं कॾहिं आई ऑफन विज़िट माय फ्रेंड्स मां अक्सर दोस्तनि सां मिलणु वेंदो आहियां आई सेल्डम वॉच टीवी मां टीवी कॾहिं कॾहिं ॾिसंदो आहियां पार्डन पार्डन यानी माफ़ु करणु पनिश यानी सज़ा ॾियणु Pardon my mistakes. मुंहिंजी ग़लतियुनि खे माफ़ु करियो Don't punish them. उन्हनि खे सज़ा न ॾियो Peace. Peace यानी अमुन War. War यानी जंग The dove is a symbol of peace. कबूतर अमुन जी अलामत आहे War brings destruction. जंग तबाही आणींदी आहे त दोस्तो हिन वीडियो जे अंदरि अॼु असां 40 वर्ड ऐं उन जा अपोज़िट सिखिया उमेद आहे तव्हांखे अॼु जो वीडियो बि ज़रूरु पसंदि आयो हूंदो जेकॾहिं तव्हांखे वीडियो पसंदि आयो त हिन वीडियो खे लाइक कयो कमेंट कयो असां चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कयो इनशा जल्दी मिलंदासीं हिकु नेक्स्ट इंट्रस्टिंग वीडियो सां गॾु अलाह हाफ़िज़